जब किसी खिलाड़ी का सर मेडल पहनने के लिए झुकता है तो सारे हिंदुस्तान का सर ऊंचा उठ जाता है। जब किसी खिलाड़ी की धड़कनें बढ़ती हैं तो सारे हिंदुस्तान का दिल थम जाता है। जब कोई खिलाड़ी जीत के करीब होता है तो सारे देश के हाथ एक साथ दुआओं में उठ जाते हैं। एक खिलाड़ी सारे हिंदुस्तान को एक कर देता है। कुछ ऐसे ही खिलाड़ी जो मेरी और मेरे देश की उम्मीद है, उन्हें जानने का मौका है उम्मीद इंडिया। ये रेसिंग ट्रैक खिलाड़ियों की जिंदगी, इन ट्रैक्स ने खिलाड़ियों के कदमों में देश की धड़कन सुनी है। इन ट्रैक्स ने खिलाड़ियों के पैरों में घिसे पिटे जूते देखे हैं तो उनके गले में सोने चांदी के मेडल्स भी। इन ट्रैक्स ने सब कुछ देखा है, खिलाड़ियों की मेहनत देखी, लगन देखी, स्ट्रगल देखा तो कॉन्फिडेंस भी देखा है। क्योंकि इन ट्रैक्स पर खिलाड़ी अकेला नहीं दौड़ता, उसके सपने और हकीकत साथ साथ दौड़ते हैं। मेरे पूरे कैरियर में वनडे क्रिकेट में 15 शतक हैं और ये 20 साल की लड़की, इन्होंने अभी तक 15 नेशनल और स्टेट रिकॉर्ड बनाए हैं अपने नाम। तो उम्मीद करता हूँ जब ये रिटायर होंगी तो शायद इनके नाम सचिन तेंदुलकर की तरह 100 जैसे उनके हैं, इनके भी शायद इतने सारे रिकॉर्ड होंगे। मुझे और मेरे दर्शकों को ये बताइए कि आपकी लाइफ में ये खेल जो है ये क्या मायने रखता है? मेरी जिंदगी में स्पोर्ट्स के अलावा कुछ नहीं है। स्पोर्ट्स से मेरा सब कुछ है, क्योंकि स्पोर्ट्स से बजे आज मैं सब कुछ पाया। मैंने मेरे फैमिली भी बैकग्राउंड भी सिचुएशन अच्छा आया और काफ़ी नाम भी मिला। आप में और दूसरे जो स्प्रिंटर्स हैं उनमें क्या फ़र्क है? मेरी खर्च तो कुछ अलग बात नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी इवेंट कर चुकी हूँ। मैं पहले मैराथन रनर थी, मैराथन के बाद फिर मिडिल डिस्टेंस को आया, 800 और 1500 भी कर रही थी, फिर 800 से फिर 400-200 के अभी स्प्रिंटर बनी। तो मेरे ख्याल से एक ही चीज़ बहुत बड़ी होता है, स्पोर्ट्स पर्सन का प्रॉपरली रेस्ट और प्रॉपरली ट्रेनिंग, वो दोनों मेरे को कभी भी कमी नहीं हुआ। बचपन से फैमिली छोड़ के अभी तक मैं बाहर की ट्रेनिंग कंटिन्यू कर रहा हूँ। मेरी लाइफ में तो भाई 3-4 बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट मिल चुके हैं मैंने, फिर भी मैं स्पोर्ट्स को कंटिन्यू रख रहा हूँ कि मेरे भगवान मुझे जो इसके लिए भेजा है, देश के लिए मैं कुछ करके दिखाऊँ, तो उसी सपना को लेकर मैं सबसे आगे आगे बढ़ते जा रही हूँ। तो वही मेरे ख्याल से थोड़ा फर्क है। दूती जी, 17 साल की उम्र में IAAF में एंटर करने वाली आप पहली भारतीय महिला बनी, तो कैसा लगा आपको? मुझे तो इस टाइम बहुत खुश लगा कि जो 100 मीटर में कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था IAAF वर्ल्ड कंपटीशन में, मैं पहली बार पार्टिसिपेट और अब सेमीफाइनल क्वालिफाई किया था मैंने। बहुत तो अच्छा लग रहा था कि जो टाइमिंग दिया था इस टाइम 11.63 दिया था, जो नेशनल रिकॉर्ड बना, मुझे और उम्मीद आया कि हाँ मैं 100 में पूरा कॉन्सेंट्रेट करूँगी तो एक दिन में ओलंपिक खेलेंगे, और वो सपना ही मेरा पूरा हुआ, 100 में भी ओलंपिक खेला मैंने। रियो ओलंपिक का जो एक्सपीरियंस था आपका, वो कैसा रहा? रियो ओलंपिक तो पहली बार ओलंपिक पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा लग रहा था, अंदर में खुश लग रहा था कि ऑल स्पोर्ट्स पर्सन का एक सपना होता है कि ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना, जो सपना मेरा पूरा हुआ। और मैं जब इधर गया, मुझे बहुत सारे बड़ा बड़ा जो एथलीट का नाम सुना था, पेपर टीवी में देखा था, इनका नजदीक में देखने के लिए मिला, इनके साथ बातचीत करने के लिए भी मौका मिला। जैसे हमेशा सिटी के एरिया में मेला होता है, जैसे एक बहुत बड़ा मेला लग रहा है मुझे, हॉल कोने कोने से बच्चा लोग आए थे। मैं ज़्यादा उसन बोल्ट को लाइक करती हूँ और शैली को भी, इन दोनों को नज़दीक लगे आगे बहुत अच्छा लगा मुझे, इनसे कुछ सीखने का चीज़ भी मुझे मिला। पूरा फॉलो किया कि किस तरह से ब्लॉक स्टार्टिंग मेजर करते हैं, वार्म अप कैसे करते हैं, बॉडी को कैसे रिलैक्समेंट करते। दूती जी, मैं आपको एक बात बताऊँ, सचिन तेंदुलकर मेरे रोल मॉडल थे,
और वो टीवी में बल्लेबाजी करते थे और मैं टीवी के बाहर रह के उनको कॉपी करता था, कोशिश करता था उन जैसा खेलूं, उन जैसे स्ट्रोक खेलूं। तो उनको टीवी में देखकर या यूट्यूब पर उनकी ट्रेनिंग देखकर भी आप बहुत कुछ सीख सकती हैं। जब आप इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों से मिले, उनसे उनका वार्म अप देख रहे थे, उनकी ट्रेनिंग देख रहे थे, तब क्या इमोशंस थे, क्या क्या सीख रहे थे? मुझे तो थोड़ी सा अंदर में डर लग रहा था कि इतना बड़ा कंपटीशन में आए पार्टिसिपेट करने के लिए। सारे इंडिया वालों ने उम्मीद रखा है कि दुती मेडल जीतेगा, वो मैं पूरा कर पाऊँ या नहीं। और मेरे से भी सब हाइट वाले है, फिजिकल में स्ट्रेंथ में देखेंगे तो मैं सबसे छोटी लगती थी, और फिर मसल भी इतना नहीं थे जितना मसल दूसरे लोग की थी। फिर भी अंदर से भगवान को दुआ कर रही थी कि भगवान मेरा जितना मेहनत किया इसका फल मुझे दो और मैं पूरी तरह से सही तरह से भागू। तो आपको क्या लगता है कि आपकी रियो में क्या गड़बड़ी हुई या क्या गलती हुई जिसकी? जब कंपटीशन मेरा था 12 तारीख को, मैं 5 तारीख को पहुंचती थी, लेकिन उधर का मौसम और इंडिया का मौसम बहुत चेंज लगा मुझे। और अब जो कंपटीशन हुआ रात को हुआ, पहले तो बता चुके थे कि ओलंपिक एसोसिएशन की रात को इवेंट होने वाली है, लेकिन जो रात का ट्रेनिंग हम कभी नहीं किया तो उसका भी फर्क पड़ा कि रात को जो ठंडा मौसम में उधर भागा, बॉडी पूरा कूलिंग हुआ, गर्म का हॉट करने का मुझे मौका ही नहीं मिला, कैसे करा जाता है मुझे पता ही नहीं चला, तो उसका थोड़ा इफेक्ट लगा। और इतना बड़ा ग्राउंड में इतना सारे पब्लिक के सामने भागना, अंदर में भी नर्वस हो चुके था, तो इसलिए थोड़ा डर बड़ा हुआ। अच्छा मुझे बताइए कि जो आपके कोच है रमेश जी, वो कैसे कोच है? सब एथलीट को खुद का बच्चे की तरह सोचते हैं, वो किसका कुछ बॉडी का डिस्टर्बेंस हो या फैमिली का डिस्टर्बेंस, सबको संभाल के रखते हैं। और इनका ट्रेनिंग इसलिए अच्छा है क्योंकि मैं जब से ट्रेनिंग इनके पास शुरू करूँ 3 महीना में मैं नेशनल का रिकॉर्ड बन चुकी हूँ 100 में, और तब से अभी तक मेरा मेडल कंटिन्यू रहा है इंडिया में और एशिया में भी। कोच हमेशा मेरी बेटी की तरह संभालते हैं, क्योंकि कोच का काम होता है कि जब ट्रैक आते हैं तो ट्रेनिंग देते हैं और बस चला जाते हैं, लेकिन कोच हमेशा मुझे कोच से पहले फ़ोन करता है, दीदी इतना टाइम में ट्रेनिंग शुरुआत होगा, बॉडी को ठीक करके आना। फिर जब वो बीच में लॉन्च के टाइम में फ़ोन करते, दीदी खाना हो गया कि नहीं, पूरी तरह से मुझे संभालते हैं। उन्होंने कभी गुस्सा किया हो या आपने कभी ट्रेनिंग छोड़ी हो या कोई भी ऐसा ही घटना घटी हो जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? दूसरी का जो गुस्सा होता है वो तो मेरे ऊपर होता है, क्योंकि दूसरा कुछ या कुछ पेन हो जाता है या कोई ट्रेनिंग नहीं करता तो गुस्से में मुझे बोलता है तुझे ये करना है, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, वही ट्रेनिंग बोलते पहले कि हम तेरा अच्छा हो रहा है, फिर जब गुस्से में वो अच्छा नहीं कर रहा है, ऐसे ऐसे बोलते हैं। दूती वो पता क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको आपसे उम्मीदें बहुत है, उनको पता है कि आपके अंदर प्रतिभा है, टैलेंट है, कि आप भारत के लिए मेडल ला सकते हैं। तो ऐसे ही मेरे कोच भी मेरे साथ करते थे, जो गुस्सा करते, जो आप बात कर रहे हो वो नाराज किसी और पे होते थे, गुस्सा मुझ पे उतारते थे उनका, तो क्योंकि उनको भी मालूम था कि वो मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूँ, मेरे अंदर एक अच्छा टैलेंट है, तो शायद मैं देश के लिए खेल सकता हूँ, तो इसलिए ज्यादा गुस्सा करते थे। तो शायद आपके कोच भी आप पर इसलिए ज्यादा गुस्सा करते हैं कि उन्हें आपसे उम्मीद है और उन्हें मालूम है कि आप मेडल ला सकते हो। आपको याद होगा 1984 के ओलंपिक में पीटी उषा 1 सेकंड के 100वें हिस्से से ब्रॉन्ज मेडल लाने से चूक गई थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रेस में एक एक सेकंड की क्या इम्पोर्टेंस है और इस 1 सेकंड को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, टाइमिंग को कैसे बेहतर किया जा सकता है, ये एक कोच से बेहतर कोई नहीं जान सकता। और द्युति चंद के कोच इसी काम में दिन रात लगे हैं। द्रोणाचार्य अवार्डी श्री नागपुरी रमेश, मुझे द्युति के बारे में पहले बताइए कि वो कैसी स्टूडेंट है। तो ये कहना चाहता हूँ द्युति के लिए, तो ये यूनिक स्टूडेंट है जो हमेशा कंपटीशन को लाइक करती है और आखिरी दम तक लड़ती है। मेरे कैरियर में ऐसा खिलाड़ी तो एक ही देखा है जो कंपटीशन को ज्यादा लाइक करते हैं, ट्रेनिंग को कम। वाह, तो आपका कहने का मतलब है कि जितना ज्यादा जितना टफ कॉम्पिटिशन उतनी बेहतर उनकी परफॉर्मेंस बाहर निकलती। द्युति के साथ आप ट्रेनिंग की कुछ यादें बताइए हमें कि किस प्रकार की ट्रेनिंग वो करती हैं। एक्चुअली मैंने उनको देखा था 2009 में अंडर 14 भाग रहे थे, फिर मैंने सोचा इसमें टैलेंट है। एक्चुअली इनके सिस्टर सरस्वती बहुत अच्छे खिलाड़ी थे जी। फिर ऐसे एक बार बातों में मैंने पूछा आपका सिस्टर बहुत अच्छा भागते तो किधर, बोले वो अभी हॉस्टल से निकल के घर में है गांव में। तो मैं ऐसे ही बोला चलो यार इधर बुला लो, हम उनको ट्रेनिंग दे देंगे जी। तो बोले सर हम तो घर में 4 सिस्टर्स हैं जी, हमारे फादर कॉटन वीवर है, मेरा एक सैलरी से फैमिली चलता है।
मैं और एक मेरा फ्रेंड था परमिंदर जी, सरदार जी कोच है जी। अगर बाहर रखने से ना 3,000 rupees पेइंग होता है जी। तो हम दोनों शेयर करते हैं, उनको बुला लो हम। सो मैं सोचा भाई इसमें टैलेंट है, नेशनल चैंपियन बनाएंगे, जॉब मिल जाएगा जी। तो लाइफ में से इतना ही सोचा था मैं। जब 2012 में पटियाला आए थे, 3 महीने के अंदर उन्होंने यूथ नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया। केवल 3 महीने? 3 महीने में। मुझे बताइए कि वो कितनी मेंटल स्ट्रांग कितनी है। मेंटल टफनेस के बारे में तो एज ए कोच उनको बोलने के बजाय मैं उनसे सीखता हूँ। अच्छा। क्योंकि जब हाइपर एंड्रोनिज्म का प्रॉब्लम हुआ था जी, सो उनको कॉमनवेल्थ गेम से बाहर निकल गया था। फिर उन्होंने इतना फाइट किया, दुनिया टोटल वर्ल्ड के अगेंस्ट खड़ा होकर फाइट करना वो उम्र में, इट्स नॉट इजी। एंड ये एक हिंदुस्तान की लड़कियों के लिए भी एक इंस्पिरेशन है। शी इज सच ए गर्ल, अगर वी आर नॉट एट फॉल्ट, नो नीड टू वरी जी, यू फाइट। एक बहुत अच्छा पॉइंट निकल के आया, अगर आपकी गलती नहीं है और आप अपने गेम से प्यार करते हैं और लगन से मेहनत करते हैं गेम के प्रति, तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। रास्ते अपने आप मिल जाते हैं, मंजिलें अपने आप मिल जाती हैं। द्युति चंद को अपना 100 मीटर का ट्रैक पार करने में केवल कुछ ही सेकंड्स लगते हैं, लेकिन इन सेकंड्स की तैयारी करने में उन्हें सालों साल एक टफ ट्रेनिंग सेशन से गुजरना पड़ता है। चलिए उस ट्रेनिंग सेशन में आज हम भी शामिल होते हैं। सुबह हमारा एक दिन एंड्योरेंस ट्रेनिंग रहता है, एक दिन स्पीड ट्रेनिंग रहता है, इसमें स्टैमिना ट्रेनिंग रहता है। हमें ज्यादा से स्प्रिंट्स के ऊपर एनर्जी सिस्टम्स पे काम करना पड़ता है, तो फेज के हिसाब से हम ट्रेनिंग करते हैं। फर्स्ट फेज में हो गया, हम ज्यादा पार्टलग करते हैं, क्रॉस करते हैं 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर। द्युति तो 8 किलोमीटर तक भी रन करती है। जब वेट ट्रेनिंग आता है तो थोड़ा लो वेट करके नंबर ऑफ रिपीटेशन ज्यादा करते हैं। फिर जब सेकंड फेज आते हैं, रिपीटेशंस कम कर लेते हैं, वेट ज्यादा बढ़ाते हैं। और सेकंड फेज में हम लोग लेट रन हो गया। मैंने तो सैंड हो गया, immediately after the training is done we start with the stretchings, we will do the facial release, strengthening programs, we will also have some massage sessions, so that helps in good recovery. Fir 12:30 12:40 ko lunch karte hain, fir thoda relax kar lete hain, fir shaam ko fir dobara ground pe karte hain. उनका बेस्ट क्वालिटी है कि फ्रीक्वेंसी, जो स्प्रिंटर्स में इनबॉर्न होना चाहिए, एंड वो हमेशा कंपटीशन को बहुत पसंद करते हैं। अभी मेरे जो 100 मीटर में टारगेट रखा है 11.10 का टारगेट रखा मैंने, इसी सब से ट्रेनिंग चल रही। मेरा जो इनके साथ एक्सपीरियंस है, पूरा दुनिया जब बोलता है नहीं होगा, ये बोलेगा होगा। शी इज अ बॉर्न लीडर। मुझे बताइए कि आपको अपना बचपन याद आता है, कि आप नदी किनारे दौड़ा करती थी, वहाँ बैठती थी, क्योंकि वैसे हैं तो आप भी अभी भी बच्ची 20 साल की, लेकिन फिर भी? हाँ, हमेशा आता है, क्योंकि कहीं पे जब ट्रेनिंग कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है मेरा, बड़ी भी जाते थे, फिर याद आ जाते मैं बचपन कैसे भागती थी, किस लिए मेरा अंदर में ताकत अभी क्यों नहीं हो रहा है,
तो आता है क्योंकि मैं बचपन में ऐसे देखेंगे तो बहुत मेहनत किया मैंने, क्योंकि हमारे घर के पास कोई ग्राउंड नहीं था, हमेशा मुझे नदी के किनारे में भागना पड़ता था। उस टाइम तो स्पोर्ट्स का सामान कुछ नहीं था मेरे साथ, तो हमेशा मुझे अर्ली मॉर्निंग को उठ के बालू में भागना पड़ रहा था, और रोड में भी, तो रोड में भी बहुत डर लगता था। ट्रक जब बड़ा बड़ा ट्रक आते थे स्पीड में, तो साइड में भागते बहुत डर भी आता था, फिर भी मैं भाग रही थी। बहुत मेहनत किया, खाली पाँव में जब वो अर्ली मॉर्निंग में भागते तो छोटा छोटा पत्थर कांटा लग जाते तो बहुत कष्ट देता था, फिर भी इसको अचीव करके मैं इतना दूरी तक आया। तो बहुत आदर था जब अकेले भेजा था, सोचते मैं कितना मेहनत किया इसलिए मुझे सफल मिला। अगर दूती जी उन ट्रकों के डर से या और रोड पे जो छोटे छोटे कंकर थे उनके डर से अगर भागना बंद कर देती तो आज शायद यहाँ हमारे साथ बैठकर ये इंटरव्यू नहीं दे रही होती। लेकिन उनकी वो मेहनत और लगन ही थी जिसकी बदौलत उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। अच्छा, आपको एक स्पोर्ट्स पर्सन बनने का ख्याल कैसे आया? पहले तो ये बताऊंगी, मेरी जो बड़ी दीदी है सरस्वती चंद, वो एक एथलीट है, 2 बार वर्ल्ड ओलंपिक पुलिस मीट में मेडल दे चुकी है देश के लिए। तो बचपन में वो, मैं जब घर में थी तो वो गांव में रनिंग कर रहा था, तो मुझे आके पूछ रही थी कि तू मेरे साथ चल भाग। लेकिन इस टाइम भागने का मतलब क्या मुझे पता ही नहीं था, सिर्फ मुझे दीदी यही कहा था कि तुम्हारे स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स होते हैं। मैंने हाँ होते हैं, मतलब कि इसी में पोजीशन लेने के लिए तुझे भागना पड़ेगा, तू मेरे साथ आ भाग। हमारे घर के पास भी स्कूल को जाने के लिए भी साइकिल वगैरह गाड़ी कुछ नहीं है, रनिंग करके जाना पड़ता था, तो वही मेरे को बहुत बेनिफिट मिल रहा। इस टाइम में स्कूल लेवल में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते थे तो इनको मेडल नहीं देते थे, किताब डट पेन सिलेट खड़ी ये सब गिफ्ट मिला था। तो पुअर भी फैमिली थे, पढ़ाई करने के लिए चीज खरीद नहीं कर पाते, तो इसको पाने के लिए मैं भी मन लगा के रनिंग कर रहा था। दूती चंद की प्रेरणा तो उनकी बड़ी दीदी थी, और कुछ प्रेरणा उनको मिली कि स्कूल में ना तो साइकिल से जा सकते थे, ना स्कूटर से जा सकते थे, ना बस से, तो वो भी एक जरिया था उनके दौड़ने का। तो उन्हें खुद नहीं मालूम था कि वो जो दौड़ रही हैं अपने स्कूल जाने के लिए, तो शायद एक दिन वो उसी दौड़ने के कारण इतने सारे रिकॉर्ड बना देंगी, इतने सारे नेशनल और स्टेट लेवल के रिकॉर्ड बना देंगी। अच्छा, आपको याद है कि जब आपने दौड़ना शुरू किया, जब आप वैसे तो नंगे पैर दौड़ती थी, जब ट्रैक पर आई तो पहला जो जूता आपको किसने दिया? पहले जूता सब कुछ पहला सामान मेरी दीदी ने दिया था। मेरी दीदी को खुद ने बोला कि दीदी मेरे लिए शू ला दे, क्योंकि जब खाली पाँव में भागते तो कांटा लग जाता है, पेन होता है बहुत, रनिंग कष्ट होता है, तो दीदी ने शू दिया था। लेकिन शू का इस्तेमाल मुझे इतना पता नहीं था, धीरे धीरे पता चला पाँव में जब नया पहना तो आया बहुत दर्द भी आया, फिर भी धीरे धीरे इसके ऊपर रनिंग जब किया तो आदत पड़ गया। आपकी बहन की कोई ऐसी बात जो आपको हमेशा याद आती हो? हाँ, दीदी तो हमेशा करते कि हमको दुनिया में भगवान साहिब भेजा है स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स में अच्छा नाम कमाने के लिए, तो वही मेहनत कर, तेरा स्पोर्ट्स को खुद का करियर बनाओ और इतना अच्छा करो जैसे लोग आपको पसंद करें और देश का नाम रोशन। अच्छा, आपको घूमना फिरना तो पसंद जरूर होगा। हाँ जी। क्या आपको शॉपिंग करना ही पसंद है, और क्या शॉप करते हैं? शॉपिंग करना तो बहुत पसंद है होता है, लेकिन मेरा इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर ज्यादा पसंद है, जैसे कार, टीवी, फ्रिज, ये जो बहुत कॉस्टली चीज होता है तो खरीद करने में मन होता है, लेकिन पैसा तो नहीं रहता है। फिर भी भगवान के आशीर्वाद से अभी ओलंपिक जो पैसा मिला, 2 कार खरीद कर दिया मैंने। 2 कार? कौन कौन सी कार? एक बोलेरो है और एक एनजे कार है, जो मेरा बहुत पसंद था। कि मैं हमारे गांव में एक दूसरा कार रहता है ना, तो लोगों इगो करते हैं हमको, इनके पास कुछ नहीं, मैं इसलिए गुस्से में 2 कार खरीद कर दिया। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि उनको पास जैसे ही पैसा आया उन्होंने 2 कार खरीदी। मेरी भी कुछ मिलती जुलती कहानी है कि पहली कार मैंने होंडा सिटी खरीदी थी, क्योंकि जैसे ही मैं भारत के लिए खेला जो पैसे आए उस पैसे से पहली शॉपिंग मेरी भी कार थी। तो मेरी और आपकी दोनों पसंद एक मैं कह सकता हूँ। अच्छा, मुझे बताइए कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 में आपको उसमें भाग नहीं लेने दिया, वो क्यों, क्या वो कहानी थी? मैं तो इस टाइम में 3 कॉम्पिटिशन के लिए सिलेक्ट हुई थी, जैसे कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम और जूनियर का वर्ल्ड चैंपियनशिप जो USA में होने वाली थी इस टाइम में। तो सिर्फ 3 दिन से पहले मुझे कहा गया कि तुम एलिजिबल नहीं है, कॉम्पिटिशन नहीं जा सकते। लेकिन किस कारण से मुझे निकाल देगा इसका किसी को भी नहीं पता था, और मुझे इस टाइम बहुत अंदर से डर लग रहा था कि डोपिंग के वजह से शायद मुझे निकाल दिया गया क्या। फिर बाद में जब घर में आया तो धीरे धीरे पता चला कि हाइपरनेजन होता है क्या है, तो इसी के कारण से मुझे निकल दिया।
तो इस दिन में बहुत अकेले हो गई थी, टूट भी गई थी अंदर में, और पब्लिक बोलने लगी दूती लड़की नहीं है, लड़का है, तो इसलिए इसको निकल दिया गया। जिस स्पोर्ट्स के लिए फैमिली छोड़ के, सबको छोड़ के मैं जाके इतना मेहनत करके देश के लिए नाम कमाया, वही देश ने, वही लोगों ने मुझे बुरा हालत करके पूरा फेंक दिया, ऐसा क्यों कर लिया। आपने कब डिसाइड किया कि अब सेना नहीं है, बस अब इसके खिलाफ मुझे लड़ना है? मैं तो अकेले कुछ नहीं कर पाया, सबको रिक्वेस्ट किया, हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, हमारे डेवलपमेंट एसोसिएशन, उनको रिक्वेस्ट किया कि ये जो उन्होंने किया गलत क्या है, आप थोड़ा मदद कीजिए। लेकिन उन्होंने तो पहले मुझे मदद नहीं दिलाया, बोला कि नहीं हम क्या करें, रूल में जो है वही तो करेंगे। फिर पायसन मैडम ने खुद मुझे कॉन्टेक्ट करके मुझे पूरा बाकी जो चीज के बारे में कुछ समझाया, मुझे किसको ऊपर इस टाइम में बिलीव नहीं आया था, लेकिन खुद ने आया। मैं बोला आप मिलना चाहते तो मेरे घर आ सकते हो, तो आके मुझे मिला। उनके खुद के बारे में बताया कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ जो हाइपरटेंशन के ऊपर मैं इंक्वायरी करती हूँ, तो मैं तुझे बहुत मदद कर सकती हूँ। फिर उन्होंने मुझे बोला कि हम डायरेक्ट साई को अप्रूव करेंगे, वो मदद मांगेंगे, वो गवर्नमेंट हमको मदद देंगे, तो हम एक केस हम लड़ सकते हैं। केस तो अभी तक जीता नहीं, क्योंकि अभी केस अभी भी चल रहा है मेरा, अच्छा। फाइनल केस नहीं हुआ, लेकिन इस टाइम जब मुझे प्रूव मिला कि हाँ तुम खेल सकते हो, ये रूल कुछ दिन के लिए हट गया है, तो बहुत अच्छा लगा कि मैं जिसके लिए फाइट किया था इसका मुझे मिला। मेरे जैसे एथलीटों को भी बंद कर गए थे, जैसे कास्टर सुमना, मेरे वजह से वो भी फिर से ट्रैक पर वापस आया, मुझे वो जैसा कि मेरे वजह से और दो तीन एथलीट को बेनिफिट मिल रहा है। अच्छा, आपकी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, उन उतार चढ़ाव में आपको किसने मोटिवेट किया आगे बढ़ने के लिए और यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो आपकी लाइफ में? मेरे लाइफ में तो मोटिवेट बहुत काफी लोग मुझे मदद दिया है, ज्यादा करके स्पोर्ट्स पर्सन होता है जो फाइनेंस सपोर्ट, हमारा जो केआईटी यूनिवर्सिटी का जो फाउंडर है डॉक्टर अच्छू सामंत, उन्होंने मुझे फाइनेंस सपोर्ट बहुत दिया, और स्टेट गवर्नमेंट भी इस टाइम में भी दिया, और ओलंपिक एसोसिएशन भी दिया, तो बहुत ऐसे जैसे गोपी चंद भैया है, 2014 में जो मेरा केस हुआ, मुझे हॉस्टल से निकल दिया गया था गाँव में थी, वो उन्होंने बोला कि मुझे खुद के अकेडमी में रुक के मुझे ट्रेनिंग दिला, काफ़ी रहना खाना पूरा फ्री कर दिया, अभी तक भी फ्री दिया है, पैसा भी एक भी नहीं लिया, तो बहुत सारे ऐसे आदमी है जो मुझे मदद है, इनके वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा। गोपी चंद का बहुत बड़ा योगदान रहा है दूती चंद की ट्रेनिंग में, तो हम सब लोग शुक्रिया अदा करेंगे गोपी चंद जी का, जिन्होंने दूती चंद की काफी मदद की। अच्छा, इस घटना के बाद आपने कमबैक किया, कमबैक करने के बाद दो रिकॉर्ड भी बनाए, तो रिकॉर्ड बनाकर फिर आपको कैसा लगा? रिकॉर्ड तो खुद कोई बनाने के लिए कुछ ही नहीं करता, रिकॉर्ड ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि कुछ पाने के लिए अचीव करने के लिए कुछ ही करता, दूसरा कुछ मिलता है साथ में। ऐसे मैं ओलंपिक क्वालिफाई करने का टारगेट रखा था जो 11.30 करना था, लेकिन जो इंडिया का नेशनल रिकॉर्ड था रचिता मिस्त्री का नाम 11.38 था, तो जब क्वालिफाई करने के लिए 11.30 करना तो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड ही होगा, तो भगवान कैसे होते दिल्ली में रिकॉर्ड हुआ 11.31 किया था, 1 माइक्रोसेकंड के लिए ओलंपिक क्वालिफाई नहीं हो पा रहा था। फिर वालमार्ट में जब गया कंपटीशन करने के लिए, हिट्स में ओलंपिक क्वालिफाई किया, नेशनल रिकॉर्ड हुआ, फिर फाइनल में भी जब रनिंग किया 11.24 किया, फिर ओलंपिक क्वालिफाई टारगेट टाइम किया, फिर नेशनल रिकॉर्ड, तो बहुत अच्छा लगा इस टाइम में कि एक चीज पाने के लिए दूसरी भी मिला। क्या बात है, बहुत कम ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो ऐसी घटनाओं के बाद वापस तो आते ही हैं और साथ में नए रिकॉर्ड भी बनाते हैं, तो दूती चंद उनमें से एक है, तो हमें गर्व है दूती चंद पर। आपकी लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है? स्पोर्ट्स में तो देखेंगे, फ्यूचर को देखेंगे तो मेरा दो का एम है, एक स्पोर्ट्स में ओलंपिक में सिर्फ मेडल नहीं लेना, ओलंपिक में मेडल लेने के ऐसी एकेडमी बनाऊंगी जिसमें बच्चा लोग रह के ओलंपिक में मेडल आते रहेंगे, और दूसरा का सपना है कि मुझे लीडर बनना है जो बड़ी लोग को सेवा कर सकते हैं। द्युति चंद की कहानी हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है, उनकी जगह कोई और खिलाड़ी होता तो शायद टूट जाता या हार मान लेता, लेकिन द्युति चंद ने अपने इरादों को कमजोर नहीं होने दिया, और यही एक अंतर है एक खिलाड़ी और एक चैंपियन में। द्युति चंद की जिंदगी से काले बादल हट चुके हैं, अब उनकी चमक चारों तरफ फैलने के लिए तैयार है, बस इंतजार है तो अगले ओलंपिक का। हम सब की तरफ से द्युति को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.